हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टी टेन स्टडी पर। आज के वीडियो में हम लोग क्लास नाइन्थ के बायो का चैप्टर टू करने वाले हैं। इससे पहले मैंने चैप्टर वन में जितने भी सेल से रिलेटेड यानी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन रहे थे वो सारा हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ये वीडियो उन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है जिसमें साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टिश्यूज़ के बारे में, उत्तकों के बारे में, उत्तक से रिलेटेड हमारे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। क्लास नाइन्थ या फिर क्लास इलेवन या कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उन सभी में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके आप लोगों के लिए, तो ये इसमें लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे नंबर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उसमें मैंने 50 क्वेश्चन करा रखा था, तो यहाँ पर मैंने 51 से लिया है। देखिए 51वां नंबर प्रश्न है, उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो देखिए उत्तकों का जो अध्ययन होता है उसे कहा जाता है हिस्टोलॉजी, ठीक है। इस तरीके से साइंस में बहुत सारी ऐसी शाखाएं हैं जिसका अलग अलग नोमेनक्लेचर किया गया है। जैसे कि मैंने सेल बताया था, तो उसमें बताया था कि सेल का स्टडी क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। उसी तरीके से उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। सांपों का यदि पूछता है तो ऑफियोलॉजी, ठीक है। कवकों का पूछता है तो क्या हो जाएगा, माइकोलॉजी। और किसका, शैवालों का पूछता है तो क्या हो जाएगा, फाइकोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए मैंने इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस को रखा है ताकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पौधे की लंबाई में वृद्धि किस उत्तक के कारण होती है, ठीक है। तो देखिए पौधे की लंबाई में जो वृद्धि होती है वो होता है शीर्षस्थ व्यवज्योत की उत्तक के कारण, ठीक है। पौधे में जनरली अगर हम बात करें तो तीन प्रकार के टिश्यूज़ होते हैं, शीर्षस्थ, पार्श्वस्थ और अंतर्वेशी, ठीक है। और चूंकि शीर्षस्थ व्यवज्योत की उत्तक जो होता है पौधे के शीर्ष भाग में पाया जाता है, इसीलिए क्या होता है, पौधे की लंबाई में वृद्धि शीर्षस्थ व्यवज्योत की उत्तक यानी कि एपिकल मेरिस्टेम के कारण होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सरल अस्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए सरल अस्थायी उत्तक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने सभी के बारे में यहाँ पर लिख रखा है कौन कौन से तीन होते हैं। तो देखिए मृद उत्तक, स्थूल कोण उत्तक और दृढ़ उत्तक यानी पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। हम तीनों प्रकार के उत्तक के बारे में पहले पढ़ लेते हैं ताकि आगे जो भी क्वेश्चंस आएंगे इससे रिलेटेड, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आपने अगर प्रीवियस रेलवे का एग्जामिनेशन दिया होगा तो उसमें हर एक सेट में इससे क्वेश्चंस देखने को मिलता था, बस यही तीन से। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम में, काफ़ी ज़्यादा पूछने जाने वाला क्वेश्चन बन जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मृद उत्तक का। तो मृद उत्तक जो है इसको इंग्लिश में पेरेन्काइमा कहा जाता है, और इसकी जो कोशिका होती है यह अनियमित आकार की होती है। अनियमित आकार कहने का मतलब होता है क्या, कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो फिक्स नहीं होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो फिक्स नहीं होता है, डिफरेंट टाइप के इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि इनकी कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय स्थान पाया जाता है, ठीक है। मीन्स कहने का मतलब कि इसके जो सेल्स होते हैं इनके सेल्स के बीच में क्या होता है, वैक्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। वैक्यूल्स मैक्सिमम यानी बहुत ज़्यादा वैक्यूल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि इनकी कोशिका भित्ति पतली और सेल्यूलोज की बनी होती है। चूँकि ये टिश्यूज है, प्लांट टिश्यू है, तो सिंपल सी बात ही सेल्यूलोज की बनी होगी, और सेल्यूलोज में भी डिफरेंट टाइप के सेल्यूलोज होते हैं। यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इसको डिटेल में बता दूंगा, ठीक है, अगले वीडियो में। कोशिका भित्ति क्या होती है यानी कि सेलवल जो होता है वो क्या कैसा होता है, पतला होता है, थीन होता है, और किसका बना होता है, सेल्यूलोज का। अगला है, ये जड़, तना, पत्ती, फल एवं बीजांड इत्यादि में पाए जाते हैं, मीन्स रूट्स, लीव्स, फ्रूट्स या फिर ओवरी, इन सभी चीज़ों में पाया जाता है। नंबर नेक्स्ट की बात कर लें, स्थूल कोण उत्तक, तो क्या है, इसके जो उत्तक की कोशिकाएं होती हैं वो मोटी और भद्दी होती है, यानी ये जो होता है टिशू, ये इसका जो सेल होता है वह कैसा होता है, थीक होता है, ठीक है। फिर क्या है कि इनकी कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय स्थान बहुत कम होता है। जैसे मैंने भी कहा कि पेरेन्काइमा में क्या होता है, वैक्यूल्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें वैक्यूल्स काफ़ी कम होते हैं। इनके सेलों के बीच का जो वैक्यूल्स होता है या कह लें स्पेस होता है वह क्या होता है, काफ़ी कम होता है, ठीक है। और कोलेन्काइमा का जो सेल होता है वह कैसा होता है, लिविंग होता है, जीवित होता है।
नेक्स्ट बात करते हैं दृढ़ ऊतक का यानी स्क्लेरेनकाइमा का। तो स्क्लेरेनकाइमा जो है इसके जो सेल्स होते हैं या टिश्यूज़ कह लें, ये कैसा होता है, एक्सपायर होता है, डेथ होता है, मृत होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस प्रकार का जो ऊतक है उसकी कोशिकाएं मृत होती हैं। तो याद रखना स्क्लेरेनकाइमा जो होता है वो मृत होती है, और चूंकि यह मृत होती है जिसके वजह से क्या होता है यह काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होती है। ठीक है, तो स्क्लेरेनकाइमा का जो टिश्यू होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके वजह से क्या होता है इस ये मजबूती प्रदान करने का काम करता है। चूँकि ये स्ट्रॉन्ग है तो लचीलापन भी प्रदान करेगा। ठीक है, चलिए, और इसका ज़्यादातर यूजेज जो होते हैं पौधे में वो किस के रूप में होते हैं, तो बीजों के जो आवरण होते हैं उसके बनने में या फिर छाल के बनने में इसका यूज होता है। ठीक है, तो तीनों प्रकार के टिश्यूज़ आप लोग याद रखेंगे, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, पेरेनकाइमा को और अन्य नाम से भी जाना जाता है, एरेनकाइमा के नाम से। क्यों जाना जाता है, क्योंकि इनके सेलों के बीच स्पेस होता है, जिसके कारण क्या होता है इनके सेल के बीच में क्या आ जाता है, स्पेस वाले एरिया में आ जाता है आपका एयर यानी कि वायु। ठीक है, इसीलिए क्या कहा जाता है, इनको एरेनकाइमा भी कहा जाता है, यानी कि वायु की उपस्थिति यानी वायु तक। ओके, हिंदी वाले बच्चे सुन लीजिएगा, वायु तक, और इंग्लिश वाले बच्चे के लिए क्या हो जाएगा, एरेनकाइमा। ये दोनों याद रखना है आपको। ठीक है, और मृदुतक और पेरेनकाइमा को क्लोरेनकाइमा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्लोरेनकाइमा। क्यों कहा जाता है क्लोरेनकाइमा, इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति होती है। तो याद रखिएगा, मृदुतक का मैंने अभी तीन नाम बताया, पेरेनकाइमा का तीन नाम बताया, एक तो पेरेनकाइमा हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, एरेनकाइमा क्योंकि इसमें एयर होते हैं, तीसरा हो जाएगा क्या, क्लोरेनकाइमा क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो तीनों पॉइंट याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नारियल का छिलका किसका बना होता है। तो याद कीजिए, मैंने जस्ट बताया था कि छाल या बीज का जो आवरण होता है उसके बनने के लिए कौन जरूरी होता है, कौन से टिश्यू उत्तरदायी होता है, तो स्क्लेरेनकाइमा, चूँकि यह एक्सपायर्ड होता है और दृढ़ता प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है, इसीलिए दृढ़ ऊतक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किस ऊतक की कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय स्थान पाई जाती है। तो मैंने भी बताया था, स्पेस किस कोशिका के बीच पाया जाता है, जिस कौन सा है, तो वो हो जाएगा पेरेनकाइमा, और इन्हीं स्पेस में क्या भरा रहता है आपका, एयर, जिसके कारण इसको एरेनकाइमा भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस ऊतक की कोशिकाएं लचीली होती हैं। तो लचीली कौन होंगी, जो स्ट्रॉन्ग होएगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा वो लचीला होगा। तो स्ट्रॉन्ग कौन था, जिसके बीच में स्पेस नहीं होगा, जिसके सेल के बीच में स्पेस नहीं होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो कौन सा स्ट्रॉन्ग था किसमें स्पेस नहीं था, तो वो था आपका दृढ़ ऊतक यानी कि स्क्लेरेनकाइमा। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, किस ऊतक को क्लोरेनकाइमा भी कहा जाता है। तो मैंने अभी जस्ट बताया था, क्लोरेनकाइमा कहा जाता है जिसमें क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति होती है। तो जो आपका पेरेनकाइमा होता है इसी को क्या कहा जाता है, क्लोरेनकाइमा भी कहा जाता है, और इसी को एरेनकाइमा भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, किस ऊतक की कोशिकाओं के बीच वायुकोष्ठ पाए जाते हैं। वायुकोष्ठ कहने का मतलब हो गया कि एयर की उपस्थिति, जो कोष्ठ बनता है, स्पेस बनता है, स्पेस का मतलब हो गया कोष्ठ। ठीक है, तो ये जो कोष्ठ बनता है, तो कोष्ठ में एयर किस कोशिका में होता है, तो सिंपल सी बात है, जो पेरेनकाइमा होता है उनके सेल्स जो होते हैं उनके सेल्स के बीच में स्पेस होता है, और इसी स्पेस में एयर उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए पेरेनकाइमा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि इस ऊतक की कोशिकाओं के बीच वायुकोष्ठ का पाए जाते हैं, तो मृद ऊतक यानी कि पेरेनकाइमा। नेक्स्ट है, किस ऊतक की कोशिकाएं लिग्निन के कारण मोटी और मजबूत होती है। तो देखिए, मोटी और मजबूत जब ही टर्म आएगा तो सिंपल समझ जाना है, मोटी और मजबूत तभी होता है जब उनके मॉलिक्यूलर स्पेस कम हो, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच स्पेस कम हो तभी वह स्ट्रांग हो पाएंगे। आपने ये चीज़ें केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, जब किसी भी मैटर का निर्माण होता है मॉलिक्यूल से होता है, और मॉलिक्यूल्स के बीच अगर इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस काफ़ी कम है तो वह स्ट्रांग होगा। तो इसमें अगर हम बात करें तीनों सेल में, तो किस में इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम होता है यानी कि सेलों के बीच स्पेस नहीं के बराबर होता है, तो वह आपका स्क्लेरेनकाइमा।
तो स्क्लेरेनकाइमा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, इससे दो क्वेश्चंस निकल रहे हैं कि पूछा जाएगा स्क्लेरेनकाइमा स्ट्रांग क्यों होती है, मोटी और मजबूत क्यों होती है, तो याद रखना है लिग्निन के वजह से। किसके वजह से? लिग्निन के वजह से। नेक्स्ट है, पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहा जाता है? तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। कि जो लिव्स होते हैं, लिव्स में बहुत सारे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, होल होते हैं, इन होल्स को क्या कहा जाता है? नेक्स्ट है, किसी पदार्थ का उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करना क्या कहलाता है? तो देखिए ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है और आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी बहुत टाइम पूछा गया है। तो किसी भी पदार्थ का उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। और यदि अगर इसी विसरण की जो ये जो विसरण की प्रक्रिया अगर अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से होती, यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के माध्यम से होता, तब हम इसे क्या कहते हैं? पराशरण कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विसरण। अगला प्रश्न है, पौधे किस क्रिया द्वारा जल और घुलित खनिज लवणों को अवशोषित करती है? देखिए इस टाइप से दो तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाएगा कि एटमॉस्फेरिक एयर जो होता है, यानी वायुमंडलीय वायु जो होता है, वो पौधे किस क्रिया द्वारा लेते हैं, और एक पूछा जाता है कि मिट्टी से घुलित खनिज लवणों का अवशोषण किस क्रिया द्वारा करते हैं। तो याद रखिएगा, मिट्टी से घुलित खनिज लवणों का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होगा? पराशरण क्रिया द्वारा। और वायुमंडल से जो वायु लेगा वह विसरण क्रिया के द्वारा। तो दोनों में वो आ रहा है, विसरण वायु। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, पौधे किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडलीय गैसों को प्राप्त करते हैं? तो मैंने अब जस्ट बताया वायुमंडलीय गैस है, यानी व से वायुमंडल और व से विसरण। तो इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन जटिल उत्तक है? तो देखिए जटिल उत्तक, मैंने अभी बताया था साधारण उत्तक तीन टाइप्स के होते थे, ठीक है। अब यह हो गया जटिल उत्तक। तो जटिल उत्तक दो प्रकार के होते हैं, एक तो जाइलम जिसे दारू के नाम से भी जाना जाता है, और एक होता है फ्लोएम जिसे बास्ट के नाम से जाना जाता है। देखिए मैंने यह क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि जाइलम और फ्लोएम के बारे में लगभग स्टूडेंट्स जानते होंगे, लेकिन यदि ऑप्शन में आपको दारू और बास्ट देता है तब प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दोनों पॉइंट्स याद रखेंगे, जाइलम को दारू कहा जाता है, फ्लोएम को बास्ट कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोएम और जाइलम दोनों। अगला है, निम्न में संवहन बंडल कौन है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेंगे आप क्या है, निम्न में संवहन बंडल क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों हो जाएगा, जाइलम और फ्लोएम दोनों को क्या कहा जाता है? संवहन बंडल कहा जाता है। चलिए अगला है, पौधे में जल और घुलित खनिज लवणों का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो देखिए जो जटिल उत्तक है जाइलम, जाइलम के माध्यम से लिक्विड फॉर्म में जो भी मैटर्स होते हैं इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है पौधे में, पौधे के एक भाग से दूसरे भाग तक, ठीक है। और जितने फूड पार्टिकल्स होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन किसके माध्यम से? फ्लोएम के माध्यम से होता है। क्वेश्चन में पूछा गया है पौधे में जल और घुलित लवणों का परिवहन, तो ये हो जाएगा जाइलम, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पौधे में खाद्य पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो मैंने जस्ट कहा फ्लोएम के माध्यम से खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। अगला प्रश्न है, जाइलम किन तत्वों से बना होता है? ऑप्शन आपके सामने हैं, ट्रैकेट्स, जाइलम नलिका, जाइलम तंतु या जाइलम मृद उत्तक। तो ये चारों ही ऑप्शन सही है, जाइलम और फ्लोएम दोनों चार चार प्रकार के तत्वों से मिलकर के बने होते हैं। तो जाइलम किन किन तत्वों से? ट्रैकेट्स से, जाइलम नलिका, जाइलम तंतु और जाइलम मृद उत्तक से बने होते हैं। अगला है, फ्लोएम किन किन तत्वों का बना होता है? तो मैंने अभी क्या बताया, जाइलम और फ्लोएम दोनों चार चार प्रकार के तत्वों से बना होता है। फ्लोएम की अगर हम बात करें तो इसमें पाई जाती है चालनी नलिका, सखी कोशिका, फ्लोएम तंतु और फ्लोएम मृदोत्तक, दोनों याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जंतु उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज, तो चार प्रकार के होंगे आपके जंतु उत्तक, ठीक है। कौन कौन से हैं मैंने नीचे नाम लिख रखा है, आप देख सकते हैं। एपिथेलियम उत्तक यानी एपिथेलियम टिश्यू, सीओजी उत्तक कनेक्टिव टिश्यू, पेशीय उत्तक मस्कुलर टिश्यूज, एंड तंत्रिका उत्तक यानी कि नर्वस टिश्यू। ये चार प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं जंतुओं में, ठीक है। और इन्हीं चार प्रकार के उत्तक के वजह से ही हम लोग डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को डन कर पाते हैं, कंप्लीट कर पाते हैं।
तो इस वीडियो में हम लोग रखते हैं 70 प्रश्न ही, यानी 20 प्रश्न हमने किया और पिछले वीडियो में 50 प्रश्न किया था। चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम इसको आगे फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल पाए।